आज पिज़्ज़ा डे टू था और बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि मैं बिग पिज़्ज़ा का रिव्यू बनाऊं, तो मैं पहुंच गया बिग पिज़्ज़ा की बहादुराबाद वाली ब्रांच में उनका पिज़्ज़ा ट्राई करने के लिए। बिग पिज़्ज़ा एक छोटा सा पिज़्ज़ा जॉइंट है जो वेल डेकोरेटेड और वेल मेंटेन है, और जहां आपको बहुत अच्छी सर्विस के साथ साथ बहुत अच्छा डेकोर मिलता है सेल्फी और फोटोग्राफी के लिए। और बात करें मेन्यू की, तो इनके पास पिज़्ज़ा के मुख्तलिफ फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, और वो भी छोटे से लेके 30 इंच के जम्बो साइज तक। तो आज मैंने डिसाइड किया इनका 18 इंच का पिज़्ज़ा मंगवाने का, वो भी हाफ माइटी मलाई फ्लेवर में और हाफ सिजलिंग चिपोटले फ्लेवर में विद गार्लिक ब्रेड्स। बात करें टेस्ट की, तो गार्लिक ब्रेड इनके बहुत यमी थे, एकदम क्रिस्पी और मज़ेदार, और केचप के साथ तो दिल मोजा मोजा कर रहा था। लेकिन जो इनकी होममेड सॉस थी वो एकदम बेकार थी। वो सॉस से ज़्यादा मुझे जो है वो शुगर सिरप लग रहा था, क्योंकि एकदम मीठी मीठी सी थी जो गार्लिक ब्रेड के फ्लेवर को ख़राब कर रही थी। लेकिन गार्लिक ब्रेड इनकी मज़ेदार थी, तो उसको मैं देता हूँ 10 में से 8। फिर बारी आती है पिज़्ज़ा की, तो पहले हमने ट्राई करा इनका सिजलिंग चिपोटले, जो टेस्ट में बहुत अच्छा था। ब्रेड भी इसकी बहुत स्मूथ थी, साइज भी कमी थी इसमें, तो सिर्फ चीज़ की जो पिज़्ज़ा का मेन इंग्रेडिएंट होता है, और खाने में टेस्ट अच्छा था। लेकिन बात वही है, अगर पिज़्ज़ा है तो चीज़ तो चाहिए, और चीज़ ना हो तो पिज़्ज़ा नहीं होता, इसलिए इनके चिपोटले चीज़ को मैं देता हूँ 10 में से 5। फिर बारी आती है इनके माइटी मलाई की, जिसको खा के मुझे फील आ रहा था कि शायद ये लोग पतली मायनीज को मलाई समझते हैं, क्योंकि एकदम ड्राई, मतलब एकदम बिल्कुल ड्राई सा पिज़्ज़ा था, जिसके ऊपर इन्होंने बारीक सी लाइन में जो है ना मायनीज फेंक दी गई थी, थोड़ी सी उसके ऊपर बोटियाँ डाल दी गई थी। मतलब आप इसको जो देसी कहते हैं सब्जी वाली रोटी, ये वो ही चीज़ थी जिसको खा के एकदम ऑकवर्ड टेस्ट आ रहा था और दिल बिल्कुल जो है डूबा जा रहा था, इसलिए मैं इसको देता हूँ 10 में से 2। वो प्रेजेंटेशन ओनली, ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बिलो एवरेज था, सर्विस गुड नहीं थी, क्योंकि हर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की तरह कंप्लेन करने पर आप पे उंगलियां उठाई जा रही थी या फिर आपको टोपी दी जा रही थी कि इस बार ख़राब था, आपको अगली बार आप आए आपको अच्छा मिलेगा। तो मैं इनकी मैनेजमेंट को सजेस्ट करता हूँ कि अपनी सर्विस और क्वालिटी इम्प्रूव करें। शुक्रिया।